हेलो गुड मॉर्निंग. हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, होप यू आर गुड. एंड आज हमारा तीसरा दिन है चंडीगढ़ एक्सप्लोर में. तो आज हम कोई ऐसी इंटरेस्टिंग जगह तो नहीं गए क्योंकि कल थोड़ा बारिश की वजह से कपड़े भीग गए थे और बुखार वगैरह हो गया. तो आज हम 37D के एक पार्क में पहुंचे हैं. वहां पे आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाते हैं और देखते हैं पार्क को. काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा पार्क है एरिया में है और यहाँ पे काफ़ी जो पुराने पेड़ हैं. अभी आपको एक पेड़ भी दिखाएंगे का जो चंडीगढ़ का काफ़ी मतलब शुरू के दिनों में लगाया हुआ है, तो वो भी दिखाएंगे. और यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए, रनिंग के लिए और वैसे भी आप फ्री टाइम में आके बैठ सकते हो. तो काफ़ी अच्छा है पार्क. तो चलिए घूमते हैं पार्क को. देखिए इस पार्क में थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए जैसे जिम में थोड़ी जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं वो आप कर सकते हो. यहाँ पे ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज के लिए, तो ये भी आप कर सकते हो इस पार्क में. मतलब चंडीगढ़ की ये एक बहुत खासियत है कि यहाँ पे जितने भी सेक्टर हैं सभी सेक्टर के पास में एक पार्क आपको मिलता है. तो उस पार्क में इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, जैसे जिम के लिए आप ट्रैकिंग कर सकते हो, है ना, और आप रनिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो. तो ये देखिए पेड़ देखिए आप यहाँ पे कितने मतलब कितना ध्यान रखा गया है नेचर का. मतलब जितना बड़ा सेक्टर है उतना ही बड़ा यहाँ पे पार्क छोड़ा गया है. गार्डन ऑफ फ्रेग्रेंस में है अभी, तो बिल्कुल शांति है यहाँ पे. ये रास्ता वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए कच्चा रास्ता है. तो ये देखिए इधर बिल्कुल जंगल का फील है, मतलब कुछ कोई शोर शराबा नहीं है. ये बांस के पेड़ बड़े बड़े, ये काफी पुराने पेड़ हैं. तो आप यहाँ पे आ सकते हो, हमेशा खुले ही रहता है. हाँ, कभी भी आप यहाँ पे आके दिन में बैठ सकते हो. अक्सर यहाँ सुबह लोग वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं. हाँ, सुबह शाम ज़्यादातर लोग आते हैं. तो अभी हमें तो दोपहर हो गई है, थोड़ा लेट हो गई, लेकिन अभी भी अच्छा लग रहा है. अभी भी अपनी बुक करवा ली है. ये ज़्यादा इसको बुखार लग रहा है, थक गया है. तो इसने तो ओला से करवाई है. हाँ ठीक है जी, ओके भाई बाय. तो अभी मुझे अकेले को ही ब्लॉग करना पड़ेगा, ये कह रहा है मुझे थोड़ी रेस्ट करनी है. ठीक है चल, ठीक है कल मिलते हैं. हाँ
अभी रणवीर तो चला गया है, उसको बुखार काफ़ी तेज हो गया था, तो कह रहा है मुझे रेस्ट करनी है, उसके बाद फिर उसको जॉब पे भी जाना है। तो अभी मैं तो अकेले ही हूँ, तो अभी जैसे फ्रेगरेंस ऑफ गार्डन ऑफ फ्रेगरेंस हम उस तरफ रह गए। अब ये दूसरे छोटा सा यहाँ पे ये पार्क है, तो इसको देखते हैं और आपको वो वाला पेड़ दिखाते हैं जो चंडीगढ़ के शुरू के दिनों में लगा हुआ है। मतलब एक तरीके से वो चंडीगढ़ की हेरिटेज है, वो वहाँ पेड़ है जो, तो देखते हैं उसको। चलिए देखिए, ये है वो पेड़, देखिए कितना विशाल है ये सामने, बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का व्लॉग हमारा पूरा हुआ, तो कल मिलते हैं फिर किसी नई जगह। कल रणवीर को भी छुट्टी है पूरे दिन की, तो किसी चंडीगढ़ की अच्छी जगह हम चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, और मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, खुश रहें, स्वस्थ रहें।